आप उसका जो फ्यूज़र फिल्म पे वाइट वाला हिस्सा है उसे साफ़ कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, एरर कोड चला जाएगा। सेकेंड स्टेप में अगर 007 ऐसा करने पे नहीं जाता है तो इसका सेंसर चेंज कर दीजिए तो भी चला जाएगा। इसके बाद अगर इतना करने के बाद भी एरर कोड नहीं जा रहा है तो सबसे पहले आप फिक्सिंग मोटर के गियर को चेक कीजिए, वो टूटा तो नहीं है। अगर वो, क्योंकि जब आप मशीन में ये इशू आता है वापस उसे लगाओगे तो आप लेफ़्ट डोर ओपन करके देख सकते हो कि लोअर रोलर घूम रहा है कि नहीं। अगर लोअर रोलर घूमेगा तो इसका जो ड्राइवर है, फिक्सिंग मोटर ड्राइव, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर ये इशू इतना कुछ करने के बाद भी नहीं जाता है तो डीसी बोर्ड का प्रॉब्लम है, ओके, और इसका कहीं से प्रॉब्लम नहीं होता।